झुंझुनू जिले के गुढ़ा गौरजी में ट्रैफिक पुलिस ने रोडवेज बस के शराबी चालक को पकड़ा है और इस दौरान शराबी चालक का लोगों ने वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। वीडियो में साफ तौर पर शराबी चालक कहता दिखाई दे रहा है कि मैंने थोड़ी पी है, इसमें क्या हो गया, कौन सा गुनाह कर दिया है। दरअसल कल देर शाम श्री माधोपुर डिपो की RJ23PA6510 नंबर की बस जयपुर से झुंझुनू आ रही थी और इसी दौरान बीच रास्ते एक सवारी ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दे दी। और सुनिए जरा इस ड्राइवर को। और प्रदीप झुंझुनू से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, देखिए ये जो ड्राइवर का वीडियो है वो जो लोगों द्वारा बनाया गया है वो हम सुन रहे थे, कह रहा है कि थोड़ी पी है, इसमें कौन सा गुनाह कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है, गुनाह की बात क्या है इसमें? अगर कोई हादसा हो जाता, बस में जो लोग सवार थे उनको अगर चोटें आती तो जिम्मेदार कौन होता, क्या कार्रवाई की जा रही है इस पर? बिल्कुल, ये जो रोडवेज का शराबी ड्राइवर है इसको ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया और उसके बाद उनमें एमवी एक्ट में उनके कार्रवाई की गई है। लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि क्या गुनाह किया है, वाकई में इन्होंने घोर गुनाह किया है क्योंकि उन्होंने जान जोखिम में डाली है। तकरीबन 40 से 50 जो सवारियां थी उनमें जो सेट की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी भी थे, युवा भी थे, वो वहां पर इस बस से आ रहे थे जयपुर से झुंझुनू। उस दौरान उनको शराबी ड्राइवर दिखा, काफी डिस्कोले खाती हुई गाड़ी जा रही थी, उसी दौरान एक सवारी ने कंट्रोल रूम में सूचना दे दी। उसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गुढ़ा गौरजी थाने के सामने ही इस वाहन को रुकवा लिया और नीचे उतार लिया। लेकिन उसके बाद भी ये चालक है ना, जो ट्रैफिक कर्मी है उनसे उलझ रहा था कि क्या मैंने क्या गुनाह कर दिया, सब पीते हैं, ऐसा कोई बड़ा गुनाह किया है, थोड़ी पी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, इसमें बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद में इस ड्राइवर को छोड़ दिया गया है। प्रदीप, और गिरफ्तारी कैसे हुई, क्या बीच में फिर बस को रुकवाया गया था, पुलिस बीच में ही पहुंच गई? जी, ये गुढ़ागौरजी थाना है, वहाँ पर पुलिस कंट्रोल रूम के जरिए सूचना आई थी पुलिस के पास। वहाँ पर ट्रैफिक कर्मी पहले से मौजूद हो गए और जो ही गाड़ी यहाँ गुढ़ागौरजी पहुंची उसके बाद में उन ड्राइवर को गाड़ी से रुकवा लिया और नीचे उतार के उनको थाने ले जाया गया। और प्रदीप, उस बस में जो लोग सवार थे फिर उनको कैसे उनके गंतव्य तक पहुँचाया गया? जी, उसके बाद में सभी सवारियों को दूसरी जो गाड़ी आई थी वो व्यवस्था करके और फिर जहाँ जाना चाहते थे वहाँ झुंझुनू की तरफ गई गाड़ी। जी प्रदीप, क्या इस बस में परिचालक भी था क्या? जी बिल्कुल, परिचालक भी था, परिचालक ने उनको टोका भी था जो चालक था, लेकिन जो चालक ने कहा कि नहीं मेरा तो रोज का काम है, मैं तो यूं ही चलता हूं, आप उतरना तो उतर जाइए। उसके बाद में उनको सवारियों के साथ भी उन्होंने बदतमीजी, ठीक है प्रदीप, गलती की है लेकिन गलती मानने को तैयार नहीं है ये ड्राइवर और ये कह रहा है कि मैंने थोड़ी सी पी है, कौन सा गुनाह कर दिया, आप कार्रवाई इस पर की जा रही है। आपका शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें।